रास्ता में मिल जाती है और लला सहदेव का गन्ना तोड़ के हाथ में लेके और सदा वृक्ष को वो गन्ना थमाती है और कहा पूछ रही है कि लला जो गन्ना खाए कि देखो उनने धीरे धीरे खाओ तो वो डुकरिया बोली के पहलो तो रसू रसी उधर से करीब 10-12 लड़के प्लेटफॉर्म पे जब स्टेशन पर ट्रेन आकर के रुकी तो 10-12 लड़के डिब्बे में चढ़ गए। अच्छा ट्रेन कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी भरी हुई कि तुम्हें बैठे हुए को जगह नहीं मिले और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ट्रेन बिल्कुल खाली कोई दिखे नहीं। सो एक डिब्बे में बूढ़े से बाबा बेचारे अलग डिब्बे में एक तरफ कोने की तरफ पड़े। सो 10-12 लड़के उसी डिब्बे में चढ़ गए। अच्छा इनका नाम ही बड़ा विलक्षण है, लड़के ओमकार भैया। जहां जाए वहां लड़के, जहां ते आए वहां ते लड़के, यानी बगैर लड़े काम ही नहीं चले, उनको कहते हैं लड़के। 10-12 लड़के बूढ़े बुजुर्ग के सामने बैठ गए। एक लड़का ज्यादा चतुर बोला, क्या यार, हमने कहा रोडवेज से चलो तुम माने ही नहीं, अब यहाँ बोर हो रहे कि नहीं हो रहे। दूसरा लड़का बोला, अरे बोर काय को हो रहे, ट्रेन की चेन खींचो, बोर क्यों होंगे, चेन खींचो, इतनी बड़ी गाड़ी रुकेगी। एक लड़का बोला, देखो सामने लिखा है कि 1200 रुपए जुर्माना, 6 महीने की जेल। तीसरा बोला, तो हम ये क्यों कहेंगे कि ट्रेन हमने रुकवाई, चेन हमने खींची है। बोले फिर, बोले नाम इस बुढ़े का लगा देंगे, हम लोग 12 हैं, ये अकेला है, हम लोगों के सामने इसकी बिल्कुल नहीं चलेगी। बूढ़े बाबा बोले, देखो भैया हमारे लिए काहे को परेशान, अरे चुप कर, शांति से बैठो, तुमको घर नहीं बैठा जाता, ट्रेन में चलने की क्या जरूरत है, हम लोग जब चल फिर रहे हैं तो। बूढ़े बाबा को धमका दिया। एक लड़का बोला, एक बात सुनो, ये बुजुर्ग हैं, हो सकता है इनकी बात मान्य हो जाए, टीटी मान ले, और 1200 रुपए का जुर्माना अगर पड़ा तो ऐसा करो 100-100 रुपए इकट्ठे करो। सो 12 लड़कों ने 100-100 रुपए इकट्ठे किए, एक ने अपनी जेब में रख लिए। बोले टीटी आएगा तो जुर्माना अगर पड़ भी गया तो टीटी को 1200 रुपए निकाल के फटाफट गिन के दे दिया। बुजुर्ग बहुत मना करेगा, साहब मान जाओ, हमारे लिए मत परेशान करो। बुजुर्ग ने बड़ा नहोरे किए लेकिन ये लड़के नहीं माने, चैन खींच दी। अधिकारी आया, हाँ भाई इस डिब्बे से किसी ने चैन को खींचा? लड़के बोले, हाँ साहब खींचा, हमने तो खींचा नहीं, ये बूढ़े बाबा जो बैठे इन्होंने ये चैन खींची है।
अब बूढ़े बाबा सोचने लगे कि अगर मैं मना भी करूं तो भी ये रेल अधिकारी मानेगा नहीं कि मैंने चैन नहीं खींची है। अब अधिकारी ने पूछा, क्यों भाई? बाबा आपने चैन को खींचा? बाबा बोले, हाँ साहब मैंने ही चैन को खींचा। बोले, क्यों? बोले, जो लड़का इधर खड़ा है ना, इसने मेरे 1200 रुपए निकाल के अपनी जेब में रख लिए। बोले, इसने मेरे 1200 रुपए निकाल के रख लिए हैं। अधिकारी ने कहा, प्रमाण? बोले, इस वाले के ऊपर वाली जेब में रखे हैं। अब सब लड़के सर नीचे को करे बैठे। बोले, क्या आफत मोल ले ली, लेना एक न देना दो में। जब निकाले सो 1200 रुपए बूढ़े बाबा को अधिकारी ने निकाल के दे दिए। अगले स्टेशन पर पुलिस खड़ी मिली, 12 लड़कों को उतार लिया। सो बूढ़े बाबा अपने कलम पर हाथ फेर के बोले, ये बाल धूप में थोड़ी सफेद पड़ गए हैं, इसलिए प्रेम करना है तो अपने माँ बाप से करिए, लेकिन सहदेव प्रेम में बुरी जंजीर। खून से पत्र लिखती है, मैया इस घर में मुझे बहुत परेशानी मिल रही है। और अपनी बाबूजी की याद करके वो लड़की क्या कहती है, सच बात पूछती हूँ, चिट्ठी में लिख रही है, सच बात पूछती हूँ छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। लिख रही है, क्या पिताजी आपको मेरी याद आती है या नहीं आती है, मुझे सिर्फ इतना बता दो। आज मेरे लिए 4 रोज हो गए हैं, मैंने भोजन तक नहीं किया। सच पूछती हूँ मुझसे छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और क्या कहती है कि पैदा हुई घर में मेरे, महतम सछाया था। जब लड़की पैदा होती है, थोड़ी बातचीत भैया कम करिए, थोड़ी बातचीत कम करिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इधर। वो लड़की कहती है, हे पिताजी, कि पैदा हुई घर में मेरे, महतम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे, माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच पूछती हूँ मुझसे छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब आप लोग बच्ची के भाव के लिए देखिए, हम चाहे लाख गरीब सही, बालक जब छोटा होता है वो चाहे कोई भी जिद करे, हम लोग उसकी पूरी करते हैं। उस बात को भी याद करके वो बहन कहती है, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। पापा जब मैं तुम्हारे घर थी, मैं भोजन नहीं किया करती थी, रूठ जाती थी, तो आप मुझे मना मना के भोजन करवाया करते थे, लेकिन आज इस घर में मुझे 4 दिन हो गए हैं, सिर्फ एक मोटरसाइकिल की वजह से मुझसे भोजन तक को किसी ने नहीं पूछा। और वो रो करके खून से, अपनी उंगली के खून से लिखती है, तब तक आंसुओं की धारा निकल के गिर जाती है, शब्द बिगड़ जाता है, अक्षर बिगड़ जाता है, फिर हटा करके फिर अपनी उंगली से लिखती है, क्या? हर चित मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई,
सैंडल मेरी आई ओ मेरी फ्राक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब देखिए एक गरीब बाप अपनी घर में कितना कमा लेता है, 100-200 रुपए। वो बात भी याद करके वो लड़की कहती है पिताजी से, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, पिताजी तुमने सारी उम्र अपनी यूं ही लुटा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। सिर्फ 200 या 300 रुपए, इतने से ज्यादा हम गरीब लोग नहीं कमा सकते, वो भी दिन भर सर से पल्ला डालने के बाद शाम को हमके हमारे लिए 200 या 300 रुपए मिलते हैं। वो बात उस बहन के लिए याद थी, पिताजी तुमने मजदूरी करने के बाद मेरा विवाह किया। लेकिन आज ये लोग वो दर्द को नहीं समझते, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, न खाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच पूछती हूँ मुझसे छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और जब बालक छोटा सा होता है तो हर माँ बाप, लड़की अगर होती है तो अपनी बेटी से माँ कहती है, बेटी तुझे ससुराल भेजने के बाद मैं तुझे वहां ज्यादा दिन नहीं रुकने दूंगी, बहुत जल्दी बुला लिया करूंगी। आज लड़की के लिए इधर माँ बाप पर इतना धन नहीं है कि किराए को पैसे नहीं है, जिससे वो माँ बाप अपनी बेटी को अपने घर बुला ले। तो लड़की कहती है, मैया अब क्या मुझे पूरे घर ने भुला दिया, और रो करके क्या लिखती है, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां करते थे ओ छुप छुप के थे रोते। पिताजी अपनी बेटी के विवाह में तैयारियां भी करते हैं लेकिन छुप छुप करके अपनी बेटी की याद करके इसलिए रोते हैं, मेरी बेटी कल विदा हो जाएगी, मेरे दिल का टुकड़ा कल मुझे छोड़ करके चला जाएगा, अश्रुपात करते हैं, रोते हैं। वो बात उस बहन के लिए याद है, पिताजी तुमने कितना मुसीबतों का सामना करके मेरा विवाह किया, तैयारियां करते थे और छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। लेकिन एक लाइन उस बहन ने उस परम पिता परमात्मा के लिए लिखी कि भगवान अगर तुम इस दुनिया में हो तो मेरी एक लाइन भी बर्दाश्त करके देखो, अपनी छाती पर हाथ रख करके देखिए कौन सी लाइन वो भगवान जी को लिखती है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। देखिए बच्ची के भाव के लिए आप लोग देखिए, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना मेरा कौन सा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा, पी हर मेरा पूरा ओ
ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, या पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। तो जितने सब प्रांगण में मेरे लड़के वाले पिता तुल बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगा, आप लोग कभी भी दहेज की मांग मत करना, कभी भी। और बगैर मांगे तो लोगों कहावत में लोग कहते ना, मांगे भीख नहीं मिले और बिन मांगे मोती। अगर अपने हृदय में, तुम्हारे हृदय में अगर भगवान बैठा हुआ है, तुम्हारे हृदय में